सो ये हमारी सेकंड वीडियो है हमारे एक्वेटिक केमिस्ट्री एंड वाटर पोल्यूशन पर। पिछली वीडियो में मैंने सीओडी के बारे में बात की थी, इस वीडियो में हम बीओडी के बारे में बात करने वाले हैं। सीओडी जो टेक्निक थी हमारी, बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल दोनों के दोनों हमारे पोल्यूटेंट का ऑक्सीडेशन कर रहा था, लेकिन बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि बीओडी में हम केवल बायोलॉजिकल जो हमारे पोल्यूटेंट हैं उनका ही ऑक्सीडेशन करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर देखो, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड्स में हमारा जो ऑक्सीडेशन करने का काम होता है ना, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। हमें पता है यार, जो हमारे पोल्यूटेड वाटर होता है उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या काम करते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल जो भी होता है जिसमें कार्बन होता है, जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज जो भी होता है, जैसे कि हमारा जो कोई पेड़ है वो गल गया, ठीक है। अब गलने के बाद उससे बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ निकलते हैं, अब उन कार्बनिक पदार्थों का, क्योंकि हमारा पेड़ पूरा पूरा कार्बनिक पदार्थ ही है, ठीक है, तो उसका अब बायोडिग्रेडेबल ही होगा, तो उसका जो डिग्रेडेशन है ना, उसको जो तोड़ने का काम है ना, वो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। अब देखो, हमारे पास अगर मान लो कोई सैंपल है, उसमें हमारे पास डिजोल्व ऑक्सीजन होती है। अब उसमें हमारे पास डिजोल्व ऑक्सीजन के साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं, और हमारे पास वहाँ पर ऐसे पोल्यूटेंट भी हैं जो कि ऑर्गेनिक हैं, जैसे कि पेड़ का जो वेस्ट है वो भी पड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो जितनी ऑक्सीजन जो यहाँ पर हमारा जो सैंपल है उसमें जो डिजोल्व ऑक्सीजन है, उसका पूरी के ऑक्सीजन का यूज कर लेंगे, और यहां पर हमारे जितना भी जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, जितना उस डिजोल्व ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो सकता है उसको कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद अगर हमारे पास ऑर्गेनिक मटेरियल जो हमारे पास कार्बनिक पदार्थ है वो बचा हुआ है हमारे उस सैंपल में, हमारे उस पोल्यूटेड वाटर में, तो क्या काम करेंगे हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये डिमांड करेंगे ऑक्सीजन की, कि बाहर से हमें ऑक्सीजन की सप्लाई करो, ताकि हमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम इस ऑर्गेनिक मटेरियल जो बच रहा है उसका भी डिग्रेडेशन कर सके, उसको भी तोड़ सके सिंपल मटेरियल में। हर एक जीव को भोजन की जरूरत होती है, और जो कार्बनिक पदार्थ है उनका ही हम भोजन के रूप में सेवन करते हैं, तो वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी उनको तोड़ते क्यों हैं, ताकि वो वहां से उनको तोड़ करके खुद का भोजन प्राप्त कर सके उन ऑर्गेनिक मटेरियल्स को, ठीक है। अब एक सर्टेन टाइम बाद यार डिजोल्व ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, बाहर से ये ऑक्सीजन की डिमांड करेंगे, और बाहर से जब ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करने के लिए जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिमांड करते हैं ना, उस बाहर से ऑक्सीजन की जो डिमांड होती है उसी को हम बोलते हैं बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। तो ये था, इसके अंदर हमारे पास एक प्रोसीजर है कि किस किस तरीके से हम यूज करके हम पता लगा सकते हैं कि बीओडी की वैल्यू क्या होने वाली है। अब देखो, यहां पर अगर बीओडी की वैल्यू ज्यादा होती है तो हमारा जो वाटर है उसमें पोल्यूशन की मात्रा भी ज्यादा होगी, क्योंकि यार बीओडी की वैल्यू जो है वो ज्यादा आ रही है, यानी कि बीओडी की वैल्यू का मतलब होता है कि हमें ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड आ रही है, हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड कर रहे हैं, और ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा कब करेंगे, जब डिजोल्व ऑक्सीजन है वो कम होगी, और डिजोल्व ऑक्सीजन जो हमारे वाटर पोल्यूटेड वाटर है उसमें डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम कब होगी, जब होगी जब हमारे पास उसमें पोल्यूशन की मात्रा ज्यादा होगी, तो पोल्यूशन की मात्रा बढ़ेगी तो डिजोल्व ऑक्सीजन हमारे उस पोल्यूटेड वाटर में घटेगी, और डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी तो हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड करेंगे बाहर से, तो बीओडी की मात्रा बढ़ेगी, ठीक है। तो बीओडी की मात्रा बढ़ेगी तो हमारे जो डीओ है यानी कि डिजोल्व ऑक्सीजन है जो हमारे वाटर में, वो घट जाएगी, तो ठीक है। अब इसे लिखना कैसे है, क्या क्या चीजें लिखनी है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में मैं इसे एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो आपको एंड तक वीडियो देखनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सिमिलरली बीओडी इज ऑल्सो यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो, यहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बायोलॉजिकल बातें करने वाले हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसको कितनी ऑक्सीजन की डिमांड है आफ्टर कंज्यूमिंग जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसको, यानी कि और डिजोल्व ऑक्सीजन को कंज्यूम करने के बाद हमारे पास ऑर्गेनिक मटेरियल बचा हुआ है उस पोल्यूटेड वाटर में, तो उसको डिजोल्व, उसको तोड़ने के लिए बाहर से ये ऑक्सीजन की डिमांड करेगा, उसी को कहते हैं हम बीओडी, ठीक है। तो बीओडी भी सीओडी की तरह ही होता है, लेकिन सीओडी हमारे केमिकल्स के थ्रू हम ऑक्सीजन की डिमांड पूरी करते हैं, लेकिन यहां पर हम मैन्युअली उसे देते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं बाहर से, ठीक है। हम क्या काम करते हैं, इसके जो प्रोसीजर है उसमें बात करेंगे, हम क्या काम करते हैं, हमारा जो सैंपल होता है उसमें क्या काम करते हैं, डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम है क्योंकि वहां पर पोल्यूशन ज्यादा है, अब डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो हम बाहर से ना डिजोल्व ऑक्सीजन डालेंगे, उस सैंपल के अंदर ऑक्सीजन भर देंगे, यानी कि एक तरीके से उसमें डिजोल्व करेंगे, और
डिजोल आराम से हो जाएगी, क्योंकि डिजोल ऑक्सीजन की मात्रा कम है। और डिजोल ऑक्सीजन की मात्रा ना एक तो पोल्यूटेंट पर डिपेंड करती है कि पोल्यूशन ज़्यादा होगी तो डिजोल ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। अब दूसरी चीज़, यहाँ पर टेम्परेचर का भी बहुत अहम रोल होता है डिजोल ऑक्सीजन में, ठीक है। तो अगर हमारे पास 1 लीटर पानी है और उसमें अगर डिजोल ऑक्सीजन देखना है, तो भाई साहब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ना, वैसे वैसे डिजोल ऑक्सीजन की मात्रा भी घटती चली जाएगी। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होती है हमारे 1 लीटर पानी में, यानी डिजोल ऑक्सीजन होती है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, एट 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर बात करें तो 0 हमारे पास मिलीग्राम पर लीटर होती है उसमें डिजोल ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये हमारे पास सिमिलरली BOD भी हमारे पास COD की तरह ही होती है, क्योंकि ये भी हमारे पास क्या करती है, ऑक्सीजन की डिमांड को बताती है कि कितनी ऑक्सीजन की डिमांड है, ठीक है। डिटेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की डिमांड को बताती है फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। आफ्टर द कंज्यूमिंग ऑफ डिजोल ऑक्सीजन, कंज्यूम करने के बाद ऑक्सीजन, जो डिजोल ऑक्सीजन है उसको कंज्यूम करने के बाद, ठीक है। फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल का ऑक्सीडेशन करने के लिए, ठीक है। आफ्टर कंज्यूमिंग DO, इट रिक्वायर्ड, DO मतलब डिजोल ऑक्सीजन, इट रिक्वायर्ड मोर ऑक्सीजन फॉर ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी कि हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए फॉर ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है। प्रेजेंट इन द पोल्यूटेड वाटर, जो कि पोल्यूटेड वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल उनको, ठीक है। दिस ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड COD, इसको ही हम COD कहते हैं, इस रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को ही COD बोलते हैं, ठीक है। इफ द वैल्यू ऑफ COD बोलते हैं, ठीक है। इफ द वैल्यू ऑफ BOD इज हायर, अगर वैल्यू जो होती है हमारे पास BOD की वो हायर होती है, देन द वाटर इज हाईली पोल्यूटेड, तो हमारे पास जो पोल्यूटेड वाटर है वो हाईली पोल्यूटेड होगा, ठीक है। इन BOD टेक्निक फर्स्टली वी एड ऑक्सीजन इन पोल्यूटेड वाटर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे जो पोल्यूटेड वाटर है उसमें डिजोल ऑक्सीजन बहुत कम होगी, तो बाहर से मैनुअली हम ऑक्सीजन डालेंगे जो कि उस पानी के अंदर डिजोल हो जाएगी, ठीक है। बिकॉज इन पोल्यूटेड वाटर द अमाउंट ऑफ DO, यानी कि डिजोल ऑक्सीजन इज मिनिमम, डिजोल ऑक्सीजन बहुत कम होती है पोल्यूटेड वाटर के अंदर, सो आफ्टर एडिंग ऑक्सीजन द ऑक्सीजन डिजोल इन पोल्यूटेड वाटर, ठीक है, पोल्यूटेड वाटर आएगा यहाँ पर, पोल्यूटेड वाटर। तो अगर हम बाहर से डिजोल ऑक्सीजन, अगर हम बाहर से ऑक्सीजन डालेंगे तो आराम से हमारे वाटर के अंदर, पोल्यूटेड वाटर के अंदर डिजोल हो जाएगी, ठीक है। इसे अच्छे तरीके से लिख देते हैं यार, खराब लग रहा है, ठीक है। पोल्यूटेड वाटर, आफ्टर दिस द पोल्यूटेड वाटर पैलेस इन थर्मल चैम्बर, इसके बाद हम क्या काम करते हैं, हमारे जो हमारा बोतल होते हैं उसके बाद क्या काम करते हैं, हमारा जो सैंपल होता है उसको थर्मल चैम्बर के अंदर पैलेस करते हैं, रखते हैं एट ए सर्टेन, एक फिक्स यहाँ पर टेम्परेचर हम यूज करते हैं, एट मेंटेन द टेम्परेचर एट 20 डिग्री सेल्सियस, और हमारा जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन रखते हैं फॉर 5 डेज, 5 दिन के लिए हम उस सैंपल को उस थर्मल चैम्बर के अंदर रख देते हैं, और वहाँ का टेम्परेचर होता 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बिकॉज इन 5 डेज 70-80% डिजोल ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उससे क्या होगा, जो हम बाहर से मिलाए हैं जितनी हमारे पास, मान लो देखो हमारे पास क्या होता है, वो सैंपल है, उस सैंपल में मान लो मैंने 5 ग्राम मैंने उसमें ऐड कर दी है ऑक्सीजन। अब 5 ग्राम ऐड करने के बाद मैं 5 दिन के लिए उसे रख दूंगा थर्मल चैम्बर में, और रखने के बाद बाहर जब मैं काटूंगा तो मैं देख लूंगा कि उसमें से 5 ग्राम जो मैंने डिजोल किया है उसमें से अब कितनी बची हुई है। इसके थ्रू ही मैं कैलकुलेट कर दूंगा कि मेरा जो पोल्यूटेड वाटर है इसमें पोल्यूटेंट की मात्रा कितनी है। अगर ज़्यादा होगी तो मेरा जो जितने भी मैंने डिजोल की है वहाँ पर ऑक्सीजन, उसकी मात्रा भी मुझे कम मिलने वाली है, ठीक है। सारी की सारी यूज हो जाएगी ऑक्सीडेशन में, जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसके ऑक्सीडेशन में, ठीक है। सोल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, जो सोल्युबिलिटी होती है हमारी ऑक्सीजन की उस पानी के अंदर वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। इफ़ टेम्परेचर इज इंक्रीजेज सोल्युबिलिटी इज डिक्रीजेज, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो सोल्युबिलिटी घटती है हमारी वाटर के अंदर उस ऑक्सीजन की, ठीक है। एट 0 टेम्परेचर डिजोल ऑक्सीजन इज 40.6 मिलीग्राम पर लीटर एंड एट 20 डिग्री सेल्सियस डिजोल ऑक्सीजन इज 9.2 mg पर लीटर एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस DO इज 0 mg पर लीटर। mg मतलब
मिलीग्राम पर लीटर। हमारे पास देखो, जैसे ही हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस था तो हमारे पास बहुत ज़्यादा डिजोल ऑक्सीजन थी, और जैसे जैसे हमारे पास टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं तो हमारे पास डिजोल ऑक्सीजन की मात्रा घटती जा रही है, यानी कि डिजोल होने की जो टेंडेंसी है ना वो घटती जाती है एट जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके प्रोसीजर के बारे में कि इसका प्रोसीजर है क्या, कि किस तरीके से हम इसको करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको लिख करके आनी है अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो। इसके प्रोसीजर की बात करें तो इन बीओडी टेक्निक बीओडी बोटल्स आर यूज्ड, इसके लिए स्पेशल बोटल्स होती हैं उनका यूज करते हैं, कांच की बोतल्स होती हैं, कुछ इतनी बड़ी बड़ी बोतल्स होती हैं, उसके अंदर ही हम इस बीओडी को कंडक्ट कराते हैं या प्रोसीड कराते हैं। विच इज़ फिल्ड बाई वाटर सैंपल, इसमें हम पोल्यूटेड वाटर डालते हैं, एंड आफ्टर दिस इसके बाद क्या काम करते हैं, वी एड 2 ml ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। सबसे पहले हम उस बोतल के अंदर हमारे सैंपल जो सैंपल लाए हैं पोल्यूटेड वाटर का वो डालते हैं उस बीओडी बोतल के अंदर, और उसके बाद क्या करते हैं हम 2 ml ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट डालते हैं, और 2 ml मैग्नीशियम सल्फेट डालने के बाद वो भी पिपेट की सहायता से हम डालते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम 2 ml ही एल्केलाइन एजाइड सॉल्यूशन भी डालते हैं। अब ये दोनों चीजें डालने के बाद क्या होता है, इज एडेड करते हैं। ठीक है, इज एडेड इन द बीओडी बोटल्स, एडेड इन द बीओडी बोटल्स, बीओडी बोटल्स के अंदर डालते हैं। ठीक है, ठीक है, एंड क्लोज द बोटल्स एंड मिक्स द सेकिंग, मिक्स बाई सेकिंग। अब इससे क्या होगा, इन दोनों चीज़ों को मिलाने के बाद हम ऊपर से जो हमारी बोटल है उसको ढक देते हैं या उसे सेक करते हैं, यानी कि हिलाते हैं, अच्छी तरीके से हिलाते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, इसके बाद हमारे पास देन आफ्टर दिस ब्राउनिश कलर क्लाउड आर अपीयर। अब इससे क्या होता है, हमारी जो बोतल है ना इसके अंदर ब्राउनिश कलर जो हमारा क्लाउड है वो अपीयर होता है। क्या होता है कि हमारे पास ना कुछ भूरे भूरे कलर का एक सॉल्यूशन सा हमें देखने को मिलता है, और उसके नीचे हमें ऑरेंजिस कलर की हमारे पास पीपीटी जमी हुई देखने को मिलती है, और ऊपर हमारे पास जो वाटर होता है जो पोल्यूटेड वाटर होता है उसमें ब्राउनिश कलर का एक क्लाउड सा दिखाई देता है। ठीक है, तो जो वो ब्राउनिश कलर का क्लाउड है ना वो इंडिकेट करता है कि हमारे पास इस सैंपल में हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, इन द सॉल्यूशन विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन को, आफ्टर सम टाइम वी एडेड 2 ml ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, इसके बाद हम डालते हैं 2 ml ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, और कंसंट्रेटेड H2SO4 डालने के बाद उस बोतल को हम क्लोज कर देते हैं, और क्लोज करने के बाद उसे अच्छे से हिलाते हैं, और तब तक हिलाते हैं कि जो हमारी पीपीटी नीचे है ना ऑरेंज कलर की वो अच्छे से मिल ना जाए। ठीक है, अब मिलने के बाद क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, Now close the bottle, close बंद करते हैं उस बोतल को, and mix until the PPT are mixed, PPT हमारी अच्छी तरीके से मिक्स ना हो जाए तब तक हम उसे हिलाते हैं। ठीक है, in the solution, solution के अंदर। ठीक है, Now keep the bottle in BOD thermal chamber, अब इसको क्या करते हैं, हमारे जो chamber होता है thermal chamber इसमें रख देते हैं for 5 days, 5 दिन के लिए, and after this इट टाइट्रेट अगेंस्ट द 0.25 n सोडियम थायोसल्फेट। हम 0.25 n सोडियम थायोसल्फेट का एक सोल्यूशन बनाते हैं, उसे पीपेट में भरते हैं, और पीपेट में भरने के बाद जो हमने 5 दिन के लिए रखा था ना हमारा जो सोल्यूशन था, हमारा जो सैंपल था जिसको हमने 5 दिन के लिए रखा था, उसे निकाल करके लाते हैं, उसको एक फ्लास्क में निकालते हैं, और निकालने के बाद इस 0.25 n सोडियम थायोसल्फेट का जो सोल्यूशन है इसके अगेंस्ट उसका टाइट्रेशन करते हैं टिल द सोल्यूशन बिकम पैल येलो कलर, और तब तक करते हैं कि जो हमारा सोल्यूशन है, नीचे जो सोल्यूशन है हमारा जो सैंपल का सोल्यूशन है जिसको मैंने 5 दिन के लिए रखा था थर्मल चैम्बर में, वो येलो इस पैल येलो इस कलर का ना हो जाए। ठीक है, तब तक करते हैं, देन एड 2 ml ऑफ स्टार्च, और स्टार्च डालते हैं, जो स्टार्च का सोल्यूशन होता है वो येलो कलर का होता है वो डालते हैं। ठीक है, और जैसे ही वो डालते हैं तो हमारे पास जो कलर का जो हमारे पास सोल्यूशन है वो सोल्यूशन हमारे पास ब्लू कलर का दिखाई देता है। ठीक है, देन ब्लू कलर सॉल्यूशन अपीयर, सॉल्यूशन ब्लू कलर का हो जाता है, विच कंटिन्यूअसली टाइट्रेट, और उसको उसके बाद हम टाइट्रेट करते हैं जो हमारे पास ब्यूरेट में भरा हुआ है 0.25 एन सोडियम थायोसल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो भरा हुआ है उसके अगेंस्ट हम कंटिन्यू टाइट्रेट करते हैं, टाइट्रेशन करते हैं टिल द सॉल्यूशन बिकम कलरलेस, और तब तक करते हैं कि जो हमारे पास ब्लू कलर का नीचे सॉल्यूशन है ना उस फ्लास्क के अंदर वो हमारे पास कलरलेस ना हो जाए। ठीक है, एंड नोट द रीडिंग, और
उस रीडिंग को हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। और नोट करने के बाद हम यहाँ पर पुट करते हैं हमारे इस फॉर्मूला के अंदर, और ये फॉर्मूला क्या कहता है, POD इज इक्वल टू DO, और जो कि इनिशियल होती है, ठीक है, DO इनिशियल माइनस DO फाइनल, जो कि डिजोल ऑक्सीजन पहले और उसके बाद डिजोल ऑक्सीजन, यानी कि पहले जो इनिशियल दो थी जो कि मैंने 5 ग्राम उसके अंदर डाली थी, ठीक है, वो, और उसमें से मैं माइनस कर दूंगा DO जो कि फाइनल में मुझे देखने को मिलती है 5 दिन के बाद है, जो कंज्यूम हो गई उसके अलावा जो मुझे देखने को मिलती है वो DO, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डाइल्यूशन फैक्टर के थ्रू, ठीक है। अब इस डाइल्यूशन फैक्टर के थ्रू इसको मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास BOD आ जाएगी। हम इस डाइल्यूशन फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 300 अपॉन में, यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सैंपल, और सैंपल कौन सा, वेस्ट वाटर सैंपल, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम वॉल्यूम ऑफ वेस्ट वाटर सैंपल, ठीक है, अब इसको करने के बाद हम BOD को आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये था हमारे पास BOD, आई होप आपको समझ में आया होगा, और काफी इजी लैंग्वेज में मैंने बताया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।